नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा। अनुराधा कुकिंग एंड लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ मिनी समोसा की रेसिपी, जो बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आती है। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मुझे लाइक से सब्सक्राइब करें। तो आइए समोसा बनाने के लिए सबसे पहले मैं मैदे का डो बनाकर तैयार कर लूंगी। और इसके लिए मैंने एक कटोरी मैदा ले लिया है और इसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ, लगभग एक छोटा चम्मच, जिससे कि मैं हाथ से इस तरीके से क्रश करके इसे इसमें डाल दे रही हूँ। इस तरीके से हाथ से क्रश करके अजवाइन डालने से अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा इसमें आएगा। इसके साथ ही थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ और थोड़ी सी मैं रिफाइंड डाल रही हूँ। रिफाइंड या इसमें आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें रिफाइंड डाल रही हूँ। और रिफाइंड को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, गर्म रिफाइंड मैं इसमें यूज कर रही हूँ। और लगभग 4 बड़े चम्मच मैं रिफाइंड तेल रिफाइंड का मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। और इसे हमें अच्छे तरीके से फिर इसे मिला अच्छे तरीके से मिला लिया है। और अगर आप देखना चाह रहे होंगे कि रिफाइंड इसमें प्रॉपर मात्रा में डाले हैं कि नहीं डाले, इस तरीके से अगर हाथ से आप मुट्ठी बना रहे हैं और अगर इसकी इस तरीके से एक बाइंडिंग बनकर तैयार हो जाती है, मतलब हमें इतनी रिफाइंड या जो आप मोम का इस्तेमाल करते हैं इतना ही हमें डालना है। इस तरीके से अगर इतना हम लोग रिफाइंड या मोम डालते हैं तो हमारे जो समोसे होते हैं वो काफी खास्ता बनकर तैयार होते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे इसका एक सख्त इसका एक बिल्कुल टाइट डो हमें बनाकर तैयार कर लेना है। डो मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और इसे आधे घंटे के लिए मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था। और डो हमारा फूलकर रेडी हो चुका है। आप देख रहे हैं ये मैंने बिल्कुल टाइट डो तो बनाकर तैयार किया है। और अब मैं इसकी छोटी छोटी लोई काट लूंगी और इसकी आलू की फिलिंग कर दूंगी। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने पैन को गर्म कर लिया है, पैन हमारा गर्म हो चुका है। और अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, मैं यहाँ सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक छोटा चम्मच जीरा डाल रही हूँ और थोड़ी सी अदरक, जैसे कि मैंने कद्दूकस कर लिया था उसे भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसी स्टेज पे आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करें। मैं हरी मिर्च अभी इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं मिर्च को बाद में डालूंगी। और मैंने थोड़े से आलू जैसे कि मैंने बॉईल कर लिया था और इसे हाथ से मैंने तोड़ लिया है। अब मैं इस आलू को इसमें डाल दे रही हूँ और इसे कुछ देर तक मैं इसे चलाते हुए भून लूंगी। अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ और सूखे मसालों के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च और एक छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, इन सारी चीज़ों को मैं आलू में डाल दे रही हूँ। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ और इसे मिला दूंगी। मैं यहाँ मिनी समोसा बना रही हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, समोसा की जो स्टफिंग होती है वो थोड़ी सी उसमें थोड़ी बहुत आलू खड़े भी होते हैं और कुछ आलू मैश किए हुए रहते हैं, इसलिए मैं इसे थोड़ा थोड़ा इसे मैश कर दे रही हूँ। लेकिन मैं इसे थोड़ा ज़्यादा मैश कर रही हूँ क्योंकि हमारी समोसा जो होगी वो बिल्कुल मिनी समोसा बनेगी, इसलिए मैं इस तरीके से थोड़ी देर तक इसे मैश कर तैयार तरीके से फ्राई हो चुका है। और मैंने यहाँ पे कुछ मूंगफली के दाने लिए थे जिससे कि मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और इसके छिलके निकाल लिए और इसे मैंने दरदरा कर लिया है। और इस मूंगफली को मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसे आप डालने से इसका स्टफिंग का जो फ्लेवर होता है वो काफ़ी अच्छा आता है। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्तियां डाल दे रही हूँ और इन सारी चीज़ों को मैं मिला दूंगी। और स्टफिंग हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, काट कर तैयार कर लिया है। और अब इसे मैं बेल ले रही हूँ क्योंकि मैं मिनी समोसा बना रही हूँ, तो इसलिए मैं छोटी छोटी लोइयों को ही काट कर इसे बनाऊंगी। और इस तरीके से आप मिनी समोसा बनाते हैं तो बच्चों को आप इसे लंच में भी दे सकते हैं, ये आसानी से बच्चों के लंच बॉक्स में आ जाते हैं और बच्चे इसे काफ़ी पसंद करके खाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे बेल लिया है और इसकी आप मोटाई देख सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं किया है। अब मैं इसे फोल्ड कर दे रही हूँ इस तरीके से फोल्ड करके, और मैं इसे चाकू की सहायता से इस तरीके से एक साइड प्रेस करते हुए मैं इसे काट लूँगी। इस तरीके से आप काटते अगर हैं तो एक साइड इसमें जो होता है ये एक साइड का आपका जो है ये बिल्कुल दब जाते हैं। और फिर ये इस तरीके से आप इसका मुँह खोल लें और फिर इसमें आप फिलिंग डाल दें। आप ध्यान रहे कि इसमें ज़्यादा फिलिंग हमें नहीं डालना है क्योंकि नहीं तो ये समोसा बाहर की और हमारा तेल अंदर की ओर चला जाएगा। और फिर इस तरीके से हम इसे दबाते हुए सारे समोसे को इसी तरीके से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे समोसों को मैंने भरकर तैयार कर लिया है, छोटे छोटे समोसा मैंने बनाकर तैयार किया है। आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी लग रही है ये देखने में भी। और अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। मैंने ऑन कर दिया है और ऑयल भी हमारा थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया है। और अब मैं एक एक करके इसमें समोसा डाल दे रही हूँ और हमें ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और मैं मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर रही हूँ। आप मीडियम फ्लेम पे अगर समोसे को फ्राई करते हैं तो समोसा काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। और अब मैं धीरे धीरे इसे समोसा हमारा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है और ये फ्राई होकर तैयार हो गया है और इसे मैं निकाल दे रही हूँ। इसी तरीके से सारे समोसे को मैं तल कर तैयार कर लेती हूँ। सारा समोसा बनाकर मैंने तैयार कर लिया है और आप इसे धनिया की चटनी और फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा हमारा समोसा बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी आवाज़, ये काफ़ी
काफी दम कुरकुरी बनकर तैयार हुई है। देखिए आप कितने अच्छे समोसा हमारे बनकर तैयार हुए। और अगर आपको मेरे समोसा बनाने की विधि अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।